आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड्स। फिजिकल वर्ल्ड्स का मतलब होता है फिजिक्स की दुनिया। तो सबसे पहले आप सभी का फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है। तो हम ना इस फिजिकल वर्ल्ड को, इस फिजिक्स की दुनिया को समझना चाहते हैं कि आखिर ये फिजिक्स की दुनिया, ये दुनिया होती क्या है। उससे पहले हम वर्ल्ड्स को डिफाइन करना चाहेंगे कि वर्ल्ड्स आखिर होता क्या है। तो वैसे वर्ल्ड्स तो एक ही होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वर्ल्ड्स को दो हिस्सों में बांट करके रखता हूँ। एक वर्ल्ड्स तो वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर का होता है, एक दुनिया वो होती है जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। हमारी बॉडी की जो दुनिया है वो एक अलग तरह की दुनिया है। उसमें हम कैसा सोचते हैं, कैसी फीलिंग्स रखते हैं, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नहीं पसंद है, तो ये सब हमारा एक अपना अंदर की दुनिया के मामला है। एक दुनिया होती है अंदर की दुनिया और एक होती है बाहर की दुनिया। एक इनसाइड दी बॉडी और एक आउटसाइड दी बॉडी। एक हमारे अंदर जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर की एक दुनिया है और उस दुनिया को भी हम समझना चाहते हैं। और उस दुनिया को भी हम समझते हैं कैसे, जैसे मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपको मीठा खाना पसंद है तो दूसरे को नमकीन खाना पसंद है, तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है, मुझे कैसी लड़की पसंद है, तो ये सब अपना एक अंदरूनी मामला है। ये हमारे अंदर की दुनिया है, हमारे अंदर की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। सबके लिए ये अलग अलग हो सकती है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी से जो बाहर की दुनिया है, जो हम अपना चारों तरफ देखती है, आउटसाइड दी बॉडी, वो एक दुनिया है और विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर इनसाइड दी बॉडी। उसको भी हम समझना चाहते हैं और वो दुनिया सभी के लिए सेम रहेगी, सभी के लिए सेम रहेगी, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो जो आउटसाइड दी बॉडी है, जो आउटसाइड दी आपको जो भी दिखता है, वो सब क्या है, उसी को हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड्स। इस नेचर में आप जो भी कुछ देखते हो, सितारे देखते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, ये सब फिजिकल वर्ल्ड्स है। तो इस फिजिकल वर्ल्ड्स को हम समझना चाहते हैं कि इस फिजिकल वर्ल्ड्स में जो हैपनिंग हो रही है, जैसे सितारे कैसे लगे हुए हैं आसमान में, चांद कैसे रुका हुआ है बीच में, ऐसे सूरज हमें रोशनी देता है 12 घंटे तक, फिर 12 घंटे के बाद छिप जाता है, फिर अंधेरा हो जाता है, तो ये कैसे हो रहा है, इन सब को हम समझना चाहते हैं। तो ये सब अगर हम समझ रहे हैं तो ये आता है फिजिक्स की दुनिया में, इसको कहते हैं हम फिजिकल वर्ल्ड। द वर्ल्ड आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। तो इस फिजिकल वर्ल्ड्स को हम समझना चाहते हैं, इसलिए हमारी बुक में सबसे जो पहला चैप्टर है वो फिजिकल वर्ल्ड्स है। यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड्स में हो रहा है, फिजिक्स की दुनिया में जो भी कोई चीज़ें हो रही है, उसको हम समझना चाहते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, इस फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। तो जब आप ये जान लोगे कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती है, इसमें ऐसी चीज़ें होती है, तो आप में कुछ और ही अलग इंटरेस्ट आएगा। यानी कि जब हम किसी के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, तो उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका रिश्ता होना है, तो आपका जिससे रिश्ता होना है उस लड़की के बारे में अगर आप जान लेते हो कि लड़की अच्छी है, लड़की गोरी है, लड़की पढ़ी लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत है, क्यूट है, तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम फिजिक्स में, जो हम फिजिक्स की दुनिया को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें अगर हम कंसेप्ट जान ले, बेसिक चीज़ें जान ले, तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा कि हमें आखिर फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो इसीलिए हमारी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिजिकल वर्ड्स। हम फिजिकल वर्ड्स को डिफाइन करना चाहते हैं कि फिजिकल वर्ड्स में क्या है, क्या हमें पढ़ना है। तो उससे पहले हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और बेसिकली फिजिक्स और फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, जो नेचर में जितने भी ये हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही है, इनके पीछे एक लॉ लगा हुआ है, सबके पीछे लॉ लगा हुआ है, वो सब एक नियम के दायरे में हो रहा है। तो उन नियमों को हम पढ़ना चाहते हैं, जैसे वाटर हमेशा हाई लेवल से लो लेवल ही बहता है, तो इसके पीछे भी एक रूल लगा हुआ है। मून ऐसे यूनिवर्स में रुका हुआ है,
वो गिरता नहीं है, वो भागता नहीं है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रूल लगा हुआ है, कोई ना कोई नियम लगा हुआ है, तो उस नियम को हम समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वाटर फ्लो होता है, हम जानना चाहते हैं कि वाटर फ्लो क्यों होता है। तो इन सब के पीछे, इन सब हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई एक नियम लगा हुआ है और उन लॉ को हम स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर हम इन लॉ को स्टडी कर रहे हैं तो हम फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में हैपनिंग हो रही है उनके लॉ को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड फिजिक्स। सिंपल, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ, और स्टडी ऑफ फिजिकल लॉ और नेचुरल लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने फिजिक्स के बारे में बताया, फिजिकल वर्ल्ड्स के बारे में बताया, एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। अब हम फिजिक्स से पहले भी एक वर्ल्ड आता है साइंस। साइंस को हम जानेंगे और उसके बाद फिजिक्स को जानेंगे कि आखिर साइंस क्या है, और हमें फिर फिजिकल वर्ल्ड्स में, हमें फिजिक्स में या साइंस में कैसे वर्क करना है, कैसे हमें लॉ बनाने हैं, तो उसके लिए एक मेथड लगता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। उसके बिना हम किसी भी लॉ को अचीव नहीं कर सकते। और आप देखोगे कि साइंटिफिक मेथड किस तरीके से अंधविश्वास से अलग है। एक अंधविश्वास होता है और एक साइंटिफिक रीज़न होता है। तो जो अंधविश्वास है वो बिल्कुल बहुत अलग है एक साइंटिफिक मेथड से। तो हम उसको स्टडी करेंगे। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी ये समझ में आ गया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।